आर्ट एंड कल्चर के इस सेशन में हम बात करेंगे लेटर मुरल ट्रेडिशंस के बारे में। देखो, पुराने समय में दो प्रकार की पेंटिंग्स प्रचलित थी, एक मुरल पेंटिंग्स और दूसरी मिनिएचर पेंटिंग्स। गुफाओं की दीवारों पर या फिर किसी सॉलिड स्ट्रक्चर पर बड़े स्तर पर जो पेंटिंग की जाती थी उसे मुरल पेंटिंग कहा जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अजंता की गुफाओं में हमने डिस्कस किया पिछली वीडियोज़ में किस प्रकार से बड़ी स्तर पर पेंटिंग की गई थी, इवन इलोरा की गुफाओं में। तो वो सब एग्जाम्पल्स हैं मुरल पेंटिंग्स के। और मिनिएचर पेंटिंग्स, जैसे देखो, छोटे लेवल पे ग्लास पे पेंटिंग कर दी गई, किसी कपड़े पे पेंटिंग कर दी गई, पत्ते पे पेंटिंग कर दी गई, ये सब एग्जाम्पल्स हैं मिनिएचर पेंटिंग्स के। ऐसा नहीं है कि मिनिएचर पेंटिंग्स में डिटेल्स कम होती थी, बस यूं है कि छोटे लेवल पे की जाती थी मिनिएचर पेंटिंग्स। साइज में छोटी होती थी लेकिन डिटेल्स कम नहीं होती थी। फिलहाल हमारा फोकस रहेगा इस लेक्चर में मुरल पेंटिंग्स पे, मिनिएचर पेंटिंग्स पे हम फोकस नहीं करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बादामी केव्स में मुरल ट्रेडिशंस की। पहले आप एक बार देख लीजिए, डेक्कन इंडिया में वाकतकास की पावर्स जब डिक्लाइन हुई उसके बाद चालुक्यास ने अपना रूल इस्टाब्लिश किया डेक्कन इंडिया में, और चालुक्यास की कैपिटल थी बादामी। ये लोकेशन है बादामी की, चालुक्यास की कैपिटल थी, और चालुक्यास ने डेक्कन इंडिया में रूल किया 543 यानी 543 से लेकर 598 कॉमन ईरा के बीच। चालुक्या किंग मंगलिशा, इन्होंने बादामी केव्स को खुदवाया। मंगलिशा की हम बात करें, ये पुलकेशी फर्स्ट के बेटे थे, यंगर सन थे, और ब्रदर थे कीर्तिवर्मन फर्स्ट के। केव नंबर 4 जो है बादामी केव्स में, जो केव नंबर 4 है वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है, उस इंस्क्रिप्शन पर एक डेट है 578-579 कॉमन ईरा। तो इस इंस्क्रिप्शन से पता लगता है केव की ब्यूटी के बारे में, और जो विष्णु की इमेज है वहाँ पर उसके प्रति क्या डेडिकेशन रही होगी आर्टिस्ट की। और इससे हमें यह भी पता लगता है कि मंगलिशा जिन्होंने बादामी केव्स को खुदवाया उनका एफिलिएशन था वैष्णविज्म के प्रति। इस वजह से जो बादामी केव्स में केव नंबर 4 है उसे विष्णु केव के नाम से भी जाना जाता है। ये आप तस्वीर देखिए, बादामी केव्स की ये तस्वीर है। लेकिन देखो, उस समय बादामी केव्स में जो पेंटिंग्स बनवाई गई थी उनमें से बहुत कम पेंटिंग्स सर्वाइव कर पाई हैं, और बहुत सी पेंटिंग्स ऐसी हैं गुफाओं में जो पैलेस सीन्स को डेपिक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पेंटिंग ऐसी है जिसमें कीर्तिवर्मन जो पुलकेशी फर्स्ट के बेटे हैं और मंगलिशा जिन्होंने बादामी केव्स को खुदवाया था उनके बड़े भाई हैं, वो पैलेस में बैठे हैं और अपनी पत्नी के साथ, अपनी वाइफ के साथ डांस सीन्स देख रहे हैं। और उस तस्वीर में कोने पर इंद्र भी हैं, इंद्र को देखा जा सकता है जो अपने फॉलोअर्स के साथ वहाँ पर खड़े हैं। देखो, स्टाइल के हिसाब से हम बात करें तो अजंता की गुफाओं में जिस प्रकार की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, बादामी की केव्स की पेंटिंग्स अजंता की गुफाओं की पेंटिंग्स का ही एक्सटेंशन लगती हैं, क्योंकि स्टाइल्स जो हैं बादामी की केव्स में और अजंता की गुफाओं की पेंटिंग्स में सेम तरह का स्टाइल्स देखने को मिलता है। बादामी केव्स की एक और पेंटिंग जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई वो ये है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, क्वीन रानी को आप देख सकते हो अपने अटेंडेंट्स के साथ। ये बादामी केव की तस्वीर यानी पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। तो अभी तक हमने डिस्कस किया बादामी केव्स की पेंटिंग्स के बारे में जिनको पैट्रोनाइज करवाया गया था चालुक्या किंग्स के द्वारा, और आगे हम डिस्कस करेंगे पलवास, पांडवास और चोला किंग्स ने भी पेंटिंग्स की जो पैट्रोनेज थी उसको जारी रखा, यानी पलवास, पांडवास और चोला के रूल्स में भी काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनवाई गई थी, पेंटिंग्स को पैट्रोनाइज किया गया था। पहले हम बात करेंगे पलवा पेंटिंग्स के बारे में। चालुक्यास की पावर्स जब डिक्लाइन हुई तो उसके बाद उस रीजन में रूल इस्टाब्लिश हुआ पलवास का, पलवास ने भी पेंटिंग्स को पैट्रोनाइज करना जारी रखा। महेंद्र वर्मन फर्स्ट, इन्होंने रूल किया था पेनिनसुला इंडिया में 7th सेंचुरी में, और इन्होंने काफ़ी सारी टेंपल्स की बिल्डिंग्स को बनवाया जैसे पन्नामलाई टेम्पल, मंडगा पाटू टेम्पल और कांचीपुरम। मंडगा पाटू टेम्पल में एक इंस्क्रिप्शन है, उस इंस्क्रिप्शन में महेंद्र वर्मन फर्स्ट को काफ़ी सारे टाइटल्स दिए गए हैं, जैसे एक टाइटल है विचित्रचिता, विचित्रचिता का मतलब है क्यूरियस माइंडेड। दूसरा टाइटल जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट को दिया गया है वो है चित्रकार पुली, मतलब टाइगर अमंग आर्टिस्ट, मतलब काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट माना जाता था महेंद्र वर्मन फर्स्ट को। उसके बाद एक और टाइटल दिया गया था महेंद्र वर्मन फर्स्ट को चैत्यकारी, मतलब टेम्पल बिल्डर। तो ये सब जो टाइटल्स दिए गए थे महेंद्र वर्मन फर्स्ट को, उससे एक बात पता लगती है कि आर्ट एक्टिविटीज़ में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। आप इन टाइटल्स के बारे में याद रखिएगा, यूपीएससी पूछ सकती है कि ये टाइटल जो है वो कौन से राजा को दिया गया था, और जिस राजा को दिया गया था वो कौन सी डायनेस्टी से संबंध रखते थे। देखो, महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने
जो टेम्पल्स बनवाए वहाँ पर उन्होंने पेंटिंग्स का निर्माण भी करवाया था, लेकिन उन पेंटिंग्स में से आज बहुत कम पेंटिंग्स सर्वाइव कर पाई हैं। देखो, महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने जो टेम्पल्स बनवाए थे जैसे पन्नामलाई, मंडगा पाटू और कांचीपुरम, इन टेम्पल्स में पेंटिंग्स को भी बनवाया महेंद्र वर्मन फर्स्ट में, लेकिन इन पेंटिंग्स में से बहुत कम पेंटिंग सर्वाइव कर पाई हैं। उनमें से एक पेंटिंग जो सर्वाइव कर पाई है वो है पन्नामलाई फिगर ऑफ ए फीमेल डिवाइनिटी, यानी फीमेल देवत्व की एक पेंटिंग है पन्नामलाई टेम्पल में जो अभी तक सर्वाइव कर पाई है। स्क्रीन पे देखिए आप, इस पेंटिंग की बात की जा रही है। इस पेंटिंग में फीमेल डिवाइनिटी को रिप्रेजेंट किया गया है, यानी फीमेल देवता को रिप्रेजेंट किया गया है। ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट के द्वारा बनवाई गई थी और अभी सर्वाइव कर पाई है। इसके अलावा कांचीपुरम टेम्पल में पेंटिंग्स को पैट्रोनाइज किया गया था एक दूसरे पलवा किंग जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बाद आए, राज सीमा के द्वारा, समझ गए। यानी महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बाद जो पलवा किंग्स आए उन्होंने भी पेंटिंग्स को पैट्रोनाइज करना जारी रखा और कांचीपुरम टेम्पल में जो पेंटिंग है उन्हें बनवाया गया था पलवा किंग राजसीमा के द्वारा। अभी तो उन पेंटिंग्स के सिर्फ ट्रेसेस ही बाकी हैं और उन ट्रेसेस से ये पता लगता है कि सोमास्कंदा को डिपिक्ट किया गया था। सोमास्कंदा क्या है, आप स्क्रीन पर यह पिक्चर देखिए। हालांकि देखो, ये जो पिक्चर है वो पलवा के समय की नहीं है, सिर्फ आपको मैं एग्जाम्पल दे के समझाना चाहता हूँ कि सोमास्कंदा की पिक्चर किस प्रकार से होती थी। सोमास्कंदा की तस्वीर में भगवान शिव को उनकी पत्नी उमा के साथ दर्शाया जाता था और बीच में होते थे स्कंद, जो जिनको एक बच्चे के रूप में दर्शाया जाता था। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन थी उसे कहा जाता था सोमास्कंदा। अगर यूपीएससी पूछती है सोमास्कंदा क्या है तो आप बता सकते हो एक प्रकार की रिप्रेजेंटेशन जिसमें भगवान शिव को उनकी पत्नी उमा और स्कंद को एक छोटे बच्चे के साथ डिपिक्ट किया जाता था। ये है कांचीपुरम टेम्पल जिसके बारे में हमने बात की, यहाँ पर पेंटिंग्स को बनवाया गया था राजसीमा के द्वारा। और देखो, पलवास के द्वारा जो पेंटिंग्स बनवाई गई थी उन पेंटिंग्स में लाइन काफ़ी ज़्यादा रिदमिक थी और ऑर्नामेंटेशन यानी सजावट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी पहले की पेंटिंग्स के अपेक्षाकृत। तो ये हमने बात की पलवास की पेंटिंग्स के बारे में और उससे पहले हमने बात की थी चालुक्यास की पेंटिंग्स के बारे में। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे पांड्यास की पेंटिंग्स के बारे में। पांड्यास के पास सत्ता जब आई तो उन्होंने भी आर्ट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। पांड्यास के द्वारा तिरुमलाईपुरम केव्स और जैन केव्स को बनवाया गया सीतनवसल में। तिरुमलाईपुरम में पेंटिंग्स की काफ़ी फ्रेगमेंटेड लेयर्स देखी जा सकती हैं और देखो, सीतनवसल में जो धार्मिक स्थल हैं उन धार्मिक स्थलों की छतों पर पेंटिंग्स देखी जा सकती हैं और इवन धार्मिक स्थलों के बरामदा में भी जो पिलर्स हैं उन पिलर्स पर जो देव्य देवियाँ हैं उनकी डांस करते हुए की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। आप एक बार स्क्रीन पर नज़र डालिए, यहाँ पर एग्जाम्पल हैं सीतनवसल पेंटिंग्स जो कि बनवाई गई थी पांड्यास के द्वारा 9th सेंचुरी कॉमन ईरा में। यहाँ पर देखो ये तस्वीर और ये तस्वीर, ये पांड्यास के द्वारा बनाई गई थी सीतनवसल में 9th सेंचुरी कॉमन ईरा में। चलते हैं आगे। पांड्या पेंटिंग्स के बाद हम बात करते हैं चोला पेंटिंग्स की। चोला रूलर्स ने रूल किया इस रीजन में 9th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी के बीच और देखो 11th सेंचुरी जब चोला रूलर्स का रूल एकदम पीक पर था उस समय काफ़ी सारे मंदिर बनवाए चोला रूलर्स ने और आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, बृदेश्वर टेम्पल थंजावुर में, गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल, इसके बाद दारासुरम टेम्पल्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं टेम्पल्स के जो चोला रूलर्स के द्वारा बनवाए गए थे। इन टेम्पल्स को बनवाया गया था राजराजा जो कि चोला रूलर थे और उसके बाद उनके सन राजेंद्र चोला के द्वारा। चोला पेंटिंग्स को देखा जा सकता है नेटामलाई में, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चोला पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं बृदेश्वर टेम्पल में। स्क्रीन पे देखिए, ये है बृदेश्वर टेम्पल, थंजावुर में है, चोलास के द्वारा बनवाया गया था। कई जगह पे बृदेश्वर टेम्पल में पेंटिंग की दो लेयर्स देखने को मिलती हैं और विश्वास ये किया जाता है कि जो अपर लेयर है बृदेश्वर टेम्पल में जो पेंटिंग की वो बनवाई गई थी नायका पीरियड के दौरान 16वीं शताब्दी में जब नायका का रूल आया तो उस समय उन्होंने भी बृदेश्वर टेम्पल्स में पेंटिंग बनवाई जो कि पहले वाली पेंटिंग्स के ऊपर ही बनवाई। तो इस वजह से कहीं कहीं जगह पर दो लेयर्स पेंटिंग्स की देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर जो नैरेटिव्स हैं बृदेश्वर टेम्पल्स में पेंटिंग्स के वो भगवान शिव, शिव इन कैलाश, शिव एज त्रिपुर नर्तका, शिव एज नटराज, तो ये सब नैरेटिव्स देखने को मिलते हैं बृदेश्वर टेम्पल्स में जो पेंटिंग्स पाई जाती हैं उनमें। इसके अलावा राजराजा जो चोला रूलर थे
उनका भी पोर्ट्रेट देखने को मिलता है और उनके मेंटर कुरुवर और बहुत सारी डांसिंग फिगर्स भी देखने को मिलती हैं पेंटिंग्स की फॉर्म में। स्क्रीन पे देखिए, ये है चोला पेंटिंग्स जिनको चोला रूलर्स के द्वारा बनवाया गया था। और बृहदेश्वर टेम्पल ऑलरेडी आपने देख लिया है, थंजावुर में है ये बृहदेश्वर टेम्पल। अब बात करते हैं विजयनगर मुरल्स के बारे में। देखो, जैसे ही चोला डायनेस्टी का रूल ख़त्म होता है 13th century में, उसके बाद रूल इस्टाब्लिश होता है विजयनगर रूलर्स का, यानी विजयनगर डायनेस्टी का। विजयनगर डायनेस्टी के रूल में हम्पी से लेके त्रिची तक का रीजन आता है। हम्पी राजधानी थी विजयनगर डायनेस्टी के रूल में। और सबसे पहले 14th century में त्रिपुरा कुनराम जो कि त्रिची के पास है, वहाँ पर पेंटिंग्स को देखा जा सकता है। ये जो पेंटिंग्स हैं वो विजयनगर स्टाइल की अर्ली फेस का एक अद्भुत नमूना है। मतलब विजयनगर रूल इस्टाब्लिश होने के बाद शुरुआत में जो पेंटिंग्स बनवाई गई थी विजयनगर रूलर्स के द्वारा, वो यहीं पर बनवाई गई थी तिरुपुरा कुनराम जो कि त्रिची के पास है। हम्पी में विरूपक्षा टेम्पल है, वहाँ पर पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं मंडप के छत पर। इसके अलावा जो पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं हम्पी में विरूपक्षा टेम्पल में मंडप की छत पर, वहाँ डायनेस्टी हिस्ट्री के इतिहास के बारे में, यानी विजयनगर रूलर्स का जो वंश था उस वंश के इतिहास के बारे में, और रामायण और महाभारत के काफ़ी सारे इवेंट्स को भी डेपिक्ट किया गया है विरूपक्षा टेम्पल की पेंटिंग्स में। आप स्क्रीन पे पिक्चर देखिए, ये पेंटिंग जो है वो विजयनगर रूलर्स के द्वारा बनवाई गई थी। इसके अलावा ये जो पेंटिंग है वो विरूपक्षा टेम्पल में देखने को मिलती है। इसके अलावा और जो नरेटिव्स देखने को मिलते हैं विजयनगर पेंटिंग्स में, यानी विजयनगर मुरल्स में, वो इस प्रकार से हैं। विद्यारण्या जो कि स्पिरिचुअल टीचर थे, आध्यात्मिक गुरु थे बुकराया के, उनकी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। हर्षा जिनको जुलूस में पालकी के ऊपर बिठा के ले जाया जा रहा है, और विष्णु के अवतार, तो ये सब नरेटिव्स देखने को मिलते हैं विजयनगर मुरल्स में। लिपाक्षी एक जगह है हिंदूपुर के पास, आज के आंध्र प्रदेश में, वहाँ भी विजयनगर पेंटिंग्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। शिव टेम्पल है वहाँ पर लिपाक्षी में, तो शिव टेम्पल में बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं जो विजयनगर रूलर्स के द्वारा बनवाई गई थी। स्क्रीन पे देखिए आप, कुछ एग्जाम्पल्स हैं दक्षिणामूर्ति विजयनगर लिपाक्षी में, और यहाँ पर लेडीज़ अटेंड कर रही हैं पार्वती को, ये जो पेंटिंग देखने को मिलती हैं वो वीरभद्र टेम्पल लिपाक्षी में देखने को मिलती हैं। अब हम विजयनगर रूलर्स के द्वारा जो पेंटिंग्स बनवाई गई थी उसके बाद डिस्कस करेंगे वो पेंटिंग्स जिनको बनवाया गया था नायका रूलर्स के द्वारा। आपको याद होगा चोला रूलर्स के बारे में जब हमने डिस्कस किया था तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि बृहदेश्वर टेम्पल में कई कई जगह पे दो लेयर्स देखने को मिलती हैं पेंटिंग्स की। पहली वाली लेयर क्रिएट करवाई गई थी चोला रूलर्स के द्वारा, और दूसरी लेयर पेंटिंग्स की वहाँ पे क्रिएट करवाई गई थी बृहदेश्वर टेम्पल में नायका रूलर्स के द्वारा 16वीं शताब्दी में। तो अब नायका रूलर्स की पेंटिंग्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम बात करें नायका पेंटिंग्स की। नायका पेंटिंग्स 17वीं शताब्दी की और 18वीं शताब्दी की बेसिकली तीन जगहों पर देखने को मिलती हैं। पहली जगह है थिरुपराकुनरम, दूसरी जगह श्रीरंगम और तीसरी जगह तिरुवरूर। और देखो एक खास बात, पहली जो ये जगह है थिरुपराकुनरम, यहाँ पर दो डिफरेंट पीरियड्स की नायका पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, एक 14th century की और दूसरी 17th century की। थीम काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हैं, नरेटिव देखने को मिलते हैं भगवान महावीर की लाइफ से संबंधित, इवन महाभारत रामायण कृष्ण लीला इन सब पर आधारित नरेटिव्स भी देखने को मिलते हैं नायका पेंटिंग्स में। आप एक बार नज़र डाल लीजिए, अगर UPSC पूछती है क्या नायका पेंटिंग्स में जो थीम्स हैं वो सिर्फ हिंदुइज्म से संबंधित हैं, तो आंसर गलत हो जाएगा। भगवान महावीर की लाइफ से संबंधित भी थीम्स हैं, नरेटिव्स हैं नायका पेंटिंग्स में। नेक्स्ट देखो, हमने तीन लोकेशंस की बात की थी जहाँ पर नायका पेंटिंग्स स्पेसिफिकली देखने को मिलती हैं। जो तीसरी लोकेशन है तिरुवरूर, यहाँ पर देखो तिरुवरूर, यहाँ पर राजा मुचकुंद की स्टोरी को दर्शाया गया है पेंटिंग्स की फॉर्म में। राजा मुचकुंद की स्टोरी है क्या? वैसे मिथोलॉजिकल स्टोरी है, संभावना नहीं है UPSC इसके बारे में पूछेगी, लेकिन आपको याद रह जाए इसलिए मैं थोड़ी सी स्टोरी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। हुआ क्या था, एक बार देवताओं के बीच और असुरों के बीच यानी राक्षसों के बीच लड़ाई होती है, और देवता वो लड़ाई हार रहे होते हैं क्योंकि उनके पास कोई सक्षम कमांडर नहीं था देवताओं की आर्मी को कमांड करने के लिए। तो देवता रिक्वेस्ट करते हैं राजा मुचकुंद से कि जब तक हमारे पास कोई
सक्षम कमांडर नहीं आ जाता हमारी आर्मी को कमांड करने के लिए, आप हमारी आर्मी को कमांड कर लीजिए। तो एक साल तक राजा मुचकुंद ने देवताओं की आर्मी को लीड किया था राक्षसों के खिलाफ लड़ाई में। तो एक साल तक वो लगातार लड़ते रहे, इन्होंने अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दिया, अपने राज्य पर ध्यान नहीं दिया। तो एक साल के बाद जब भगवान शिव के बेटे कार्तिकेय आ गए देवताओं की आर्मी को लीड करने के लिए, तो उस समय भगवान इंद्र ने कहा राजा मुचकुंद को कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, एक साल तक आपने हमें बचाए रखा, तो आप वर मांगिए। क्या वरदान मांगते हो? मोक्ष को छोड़ के, क्योंकि मोक्ष देना हमारी कैपेसिटी में नहीं है। तो चूंकि देखो राजा मुचकुंद लगातार एक साल से लड़ाई लड़े जा रहे थे और वो इस प्रोसेस में सोए भी नहीं थे, तो राजा मुचकुंद वरदान मांगते हैं कि मैं लगातार सोना चाहता हूँ और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, अगर मुझे कोई डिस्टर्ब करता है तो वो अपने आप भस्म हो जाए। वो लगातार सोना चाहते थे गहरी नींद में राजा मुचकुंद। ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, मिथोलॉजिकल स्टोरी है ये। तो उसके बाद देखो कहा यह जाता है राजा मुचकुंद अभी भी विश्राम कर रहे हैं, कहाँ पर? गुजरात में माउंट गिरनार के बारे में आपने सुना होगा, माउंट गिरनार की गुफा में या फिर चोटी पर अभी भी विश्राम कर रहे हैं राजा मुचकुंद। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं राजा मुचकुंद रेस्ट कर रहे हैं तेलंगाना में जो अनंतगिरी हिल्स हैं वहाँ पर। तो अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना विश्वास है। देखो राजा मुचकुंद के बारे में यूपीएससी नहीं पूछेगी, लेकिन एक दो मिनट कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जब आपको मिलती है ना, तो चीज़ें आप आसानी से याद कर पाते हो कि हाँ हमने नायका पेंटिंग्स डिस्कस किया था, उसमें राजा मुचकुंद के बारे में स्टडी किया था, कौन सी सेंचुरी में थी ये पेंटिंग्स, कौन सी जगह पर थी। देखो ये तीनों जो जगह हैं, चाहे तिरुवरूर हो या फिर तिरुपराकुंद्रम हो या फिर श्रीरंगम हो, ये तमिलनाडु में हैं। तो अगर यूपीएससी पूछे नायका पेंटिंग्स कहाँ पर हैं, साउथ इंडिया में हैं और तमिलनाडु में हैं। इसके अलावा देखो नायका पेंटिंग्स में ही चिदंबरम एक जगह है, तमिलनाडु का एक टाउन है चिदंबरम। नायका ईरा की पेंटिंग्स इस टाउन में भी देखने को मिलती हैं। दो पैनल्स हैं पेंटिंग्स के मेनली, एक पैनल में भगवान शिव को दिखाया गया है एज ए भिक्षातना मूर्ति। यहाँ पर देखो ये जो है ये भगवान शिव की पिक्चर है एज ए भिक्षातना पोज में। यहाँ पर भगवान शिव के हाथ में बैगिंग बाउल है, यानी भीख मांगने का कटोरा है। यहाँ पर भी देखो और यहाँ पर भी देखो। तो ये जो पोज है भगवान शिव का, इस पोज को कहा जाता है भिक्षातना पोज। चिदंबरम टाउन में ही दूसरे पैनल की पेंटिंग में भगवान विष्णु को दिखाया गया है एज ए मोहिनी। यहाँ पर देखो आप, भगवान विष्णु को एज ए मोहिनी दिखाया गया है चिदंबरम टाउन की दूसरी पैनल ऑफ पेंटिंग के पेंटिंग में, जो कि नायका ईरा की पेंटिंग है। मोहिनी कहा यह जाता है भगवान विष्णु का एकमात्र फीमेल अवतार है। उसके बाद नायका ईरा में ही नेक्स्ट है श्री कृष्णा टेम्पल, कहाँ पर है? आरकोट डिस्ट्रिक्ट के चेनगाम में। और आरकोट डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? आरकोट डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में। नायका ईरा की सारी जो पेंटिंग्स हैं वो तमिलनाडु में ही हैं। 60 पैनल पेंटिंग्स के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। रामायणा की जो स्टोरीज हैं वो थीम है, नरेटिव है इन पेंटिंग्स में। श्री कृष्णा टेम्पल पर एक बार आप नज़र डालिए, ये है श्री कृष्णा टेम्पल। और भगवान कृष्णा की लाइफ से भी संबंधित पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं यहाँ पर श्री कृष्णा टेम्पल में, जो कि है आरकोट डिस्ट्रिक्ट वेल्लोर तमिलनाडु में। ये सब जो हमने एग्जाम्पल्स देखे ये नायका पेंटिंग्स के स्टाइल से संबंधित थे। और देखो एक इंपॉर्टेंट बात, नायका पेंटिंग्स का जो स्टाइल है वो मोर ऑर लेस सेम है एज ए विजयनगर पेंटिंग्स का जो स्टाइल है। बस फर्क इतना है कहीं कहीं पर कुछ रीजनल मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है जगह के हिसाब से, या फिर कोई चीज़ इनकॉर्पोरेट कर ली जाती है लोकल जगह के हिसाब से। अदरवाइज पेंटिंग स्टाइल नायका पेंटिंग्स का और विजयनगर पेंटिंग्स का सेम है। नायका पेंटिंग्स को डिस्कस करने के बाद अब बारी आती है केरला पेंटिंग्स की। वैसे तो देखो केरला पेंटिंग्स के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल या फिर अच्छा एग्जाम्पल है तिरुवलांजुली की नटराजा पेंटिंग। 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच केरला पेंटर्स ने अपना ही एक अलग से पिक्टोरियल लैंग्वेज कहो या फिर पेंटिंग बनाने की जो आर्ट है वो डेवलप कर ली। कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो लिए गए हैं नायका स्टाइल से या फिर विजयनगर स्टाइल से, लेकिन कुछ स्टाइल्स लेने के बाद उन्होंने अपना खुद का जो पेंटिंग स्टाइल है वो इवोल्व कर लिया 16वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी के बीच। और वैसे देखो केरला पेंटिंग के पेंटर्स ने अपना अलग से जो स्टाइल इवोल्व किया उस स्टाइल में उन्होंने
कंटेम्प्रेरी टाइम्स में जो ट्रेडिशंस थे वहाँ से भी सर्टेन एलिमेंट्स को अडोप्ट किया. फॉर एग्जाम्पल कथकली डांस उस समय काफ़ी ज़्यादा फेमस था, और इवन काल मुझेथू देखो एक प्रकार का रिचुअल आर्ट है केरला में, फर्श पर इस प्रकार की रंगोली बनाई जाती है. तो कथकली से, काल मुझेथू से, यहाँ से भी सर्टेन एलिमेंट्स को अडोप्ट किया गया केरला में. यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है इसके बारे में. याद रखिएगा काल मुझेथू क्या है. काल मुझेथू केरला की रिचुअल आर्ट है, फर्श पर रंगोली किस्म का यहाँ पर कुछ ड्रा किया जाता है. ज़्यादातर जो केरला पेंटिंग्स हैं वो मंदिरों की दीवारों पर, श्राइन्स की दीवारों पर और पैलेसेस के अंदर देखने को मिलती हैं. और ज़्यादातर जो थीम्स हैं केरला पेंटिंग्स की वो हिंदू मिथोलॉजी पर ही आधारित हैं, जैसे लोकल वर्जन्स ऑफ रामायण, लोकल वर्जन्स ऑफ महाभारत, इवन कृष्णा की लाइफ से संबंधित भी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं केरला पेंटिंग्स में. जैसे ये एक एग्जाम्पल है केरला पेंटिंग्स का, और ये भी एक एग्जाम्पल है केरला पेंटिंग्स का, श्री राम टेम्पल त्रिपरियार में ये पेंटिंग है. इवन देखो 60 यानी 60 से ज़्यादा साइट्स मिल गई हैं जहाँ पर केरला स्टाइल की मुरल पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, जिसमें से 3 पैलेसेस में केरला पेंटिंग्स स्टाइल की पेंटिंग देखने को मिलती हैं. यहाँ पर नाम दिए गए हैं 3 पैलेसेस की जहाँ पर केरला स्टाइल की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं. डच पैलेस कोची में, कृष्णापुरम पैलेस कयामकुलम में, और सबसे लास्ट में पद्मनाभापुरम पैलेस. इसके अलावा देखो काफ़ी सारे मंदिरों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जैसे त्रिपरायार श्री रामा टेम्पल, अभी हमने डिस्कस किया था ये जो पेंटिंग है वो त्रिपरायार श्री रामा टेम्पल में है. एक और एग्जाम्पल है त्रिशूर वडाकुंथन टेम्पल, ये टेम्पल है त्रिशूर वडाकुंथन टेम्पल. इस प्रकार से 2-3 टेम्पल्स के और भी नाम हैं. बताया यह जाता है कि इन पेंटिंग्स में, इन जगहों पर, इन मंदिरों में मैच्योर फेस की केरला पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं. यानी ऐसा नहीं कि केरला पेंटिंग शुरुआत ही हुई थी, शुरुआती पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं यहाँ पर, नहीं. जब केरला पेंटिंग्स मैच्योर हो गई थी यानी काफ़ी समय बीत गया था केरला पेंटिंग्स को, तो उस समय की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं इन मंदिरों में. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इन मंदिरों को याद रखो, नाम याद रखो, नहीं. ज़्यादातर ये जो मुरल पेंटिंग्स हैं इनको ड्रा किया जाता था महिलाओं के द्वारा फेस्टिवल्स के दौरान या फिर दीवारों को डेकोरेट करने के लिए. तो इस प्रकार से जो स्पेसिफिक ट्रेडिशंस थे लेटर मुरल पेंटिंग्स के वो तो हमने डिस्कस कर लिए. चैप्टर के अंत में ये बताया जाता है कुछ जगह, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, गुजरात, मिथिला पेंटिंग्स बिहार में या फिर मिथिला रीजन में, वर्ली पेंटिंग्स महाराष्ट्र में, और उड़ीसा के कुछ गांव में पेंटिंग्स, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मतलब इन सब जगहों पर भी मुरल पेंटिंग्स के जो एग्जाम्पल हैं वो देखने को मिलते हैं. आपको इन पेंटिंग्स के नाम जरूर याद होने चाहिए. जैसे यूपीएससी ये पूछेगी वर्ली पेंटिंग्स कौन से राज्य में देखने को मिलती है, महाराष्ट्र. पिथौरा पेंटिंग कौन से राज्य में, राजस्थान. मधुबनी पेंटिंग्स कौन से राज्य में, बिहार. तो ये सब नाम आपको याद होने चाहिए. पिछले साल जो हमने आर्ट एंड कल्चर डिस्कस किया था तो उस सीरीज़ में हमने सारी पेंटिंग्स को, जो प्रचलित पेंटिंग्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था. तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है. नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर की वीडियो में हम टेम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. फिलहाल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के कोर्स के बारे में जानकारी है. अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. डेली हमारी क्लासेस होती हैं. एक लिंक आपको बताता हूँ जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, video.onlyis.in. इस लिंक पर जाके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो. और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप इस ईमेल आईडी पर अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हो. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.